तो तमाम घर वालों को बुलाने का मकसद ये था कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी थी। अच्छा है कि तमाम फैमिली मेंबर्स यहाँ पर आ गए। ये यहाँ क्या कर रहा है? बात नहीं तो बोला ना तमाम घर वालों को। तो इसका घर से क्या ताल्लुक है? अरे भाई ये घर इसी का है। ये मालिक मकान है, घर वाला नहीं है। उठो दफा हो यहाँ से। अरे अब आ गया तो बैठे रहन दो। बैठ जाओ भाई बैठ जाओ, यहाँ पे तो खुदा तरसी ही चल रही है खाली। खैर मैं आप लोगों से कहना चाहता था कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स नहीं रहे। मरने वाले के लिए दुआ करिएगा। लानत है भाई, हाथ नीचे करो। कोई नहीं मरा है यहाँ पर। तुमसे मैयतों में जाते हो क्या? मरे नहीं है वो लोग, कनाडा चले गए, बिस्मा बहरोज उस्मा सुल्तान वगैरह। बताओ जरा मरने वाले के लिए फातिहा कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ तो कहने का मकसद ये था कि हुकूमत ने बिजली के नर्क में इजाफा कर दिया और साथ साथ गैस के नर्क में भी इजाफा कर दिया, इसलिए मैंने फैसला किया है कि बिजली का इस्तेमाल अब सोच समझ के किया जाएगा। दिन में अब सिर्फ एक ही पंखा चलेगा। और रात में? रात में भी एक ही पंखा चलेगा। इसके अलावा कपड़े इस्त्री करने का वक्त मुकर्रर है, दिन में सिर्फ 3 से 4 के दरमियान कपड़े इस्त्री किया जा सकते हैं। और रात में? रात में कपड़े इस्त्री करके तुमने चुड़ैलों की शादी में जाना है। टीवी का इस्तेमाल भी रात 8 से 9 के दरमियान होगा, जिसको जो प्रोग्राम देखना है उसी दरमियान देख लीजिए। इसके अलावा और कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। तो ये सब आप हमें क्यों बता रहे हैं? बिजली का बिल तो फिरोज भरते हैं। तो फिरोज मेरा बेटा है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि मेरा बेटा हफ्ते के 6 दिन मेहनत करता है और हम उसके पैसे बिजली के बिल में यूं करके उड़ा देते हैं। थैंक यू पापा, आपको मेरा इतना एहसास है। हाँ बेटा, मुझे ना सिर्फ तुम्हारा एहसास है बल्कि अपने बुढ़ापे का भी एहसास है। अगर तुम मेहनत कर करके जल्दी मर गए तो हमारा बुढ़ापा तो ख्वार हो जाएगा ना। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लंबी जिंदगी जियो। इसलिए मैं आप सबको अल्टीमेटम देना चाहता हूँ कि बिजली के इस्तेमाल के अंदर कोई बदएहतियाती नहीं होनी चाहिए। मुझे एक बात कहनी है, जो एक पंखा चलेगा वो मेरे कमरे का चलेगा। ठीक है, तो फिर हमें किरण के साथ कमरा शेयर करना पड़ेगा। खबरदार, अगर मेरे कमरे में किसी ने कदम भी रखा तो। अच्छा, तुम हाथों से चल सकती हो? चल लेंगे, हाथों से चल के आ जाएंगे। ठीक है, और कोई बात? मुझे ना आपकी इस बकवास में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो जा रही हूं। फिरोज तुम कहाँ जा रहे हो? पापा किरण चली गई तो मुझे भी तो जाना होगा ना, वरना वो नाराज हो जाएगी। जाइए जाइए, आप जाइए, जन मुरीदी के अलावा काम ही नहीं है आपको। कोई आपको कुछ कहना है? हाँ मैं कहना चाहती हूँ भाई हर्षू, तो इससे अच्छा ये है कि भाई हमें किसी जेल खाने में डाल दो। हाँ ये आपने बहुत अच्छी बात कही। शरी बेटा एडी सेंटर फोन करो, वहाँ अपना घर है, उनसे बोलो एक बुढ़िया देकर 2 बच्चे मिल सकते हैं क्या? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। हाँ। जेल बना दिया, एक तो रखा हुआ इतने बड़े घर में लाकर खुश होने के बजाय उल्टी सीधी बातें कर।